सब्जेक्ट्स, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट साइंस। और आपका क्या है, मैं पहले भी आपको ये लेसन पढ़ा चुकी हूँ, इसकी वीडियो और आप क्वेश्चन भी कर चुके हैं, लेकिन आज फिर से दोबारा एक बार आपका रिवीजन करा देते हैं। तो आपने जो हमारे भारत में, मतलब भारत ने विज्ञान में क्या क्या योगदान दिया है विश्व में, तो हमारे भारत ने क्या दिया, एक हमारे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, उनका नाम आपने सुना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसकी खोज की थी, उन्होंने बताया कि पौधों में क्या होता है, जीवन होता है। इसके बारे में हमें किसने बनाया बताया, जगदीश चंद्र बोस ने बताया। और जो ये महान, एक महान वैज्ञानिक थे, लघु तरंगों का निर्माण एवं विद्युतीय चुंबकीय तरंगों के बारे में भी हमें जगदीश चंद्र बसु ने बताया। लेकिन मतलब जो इसमें नाम आया था वो एक विदेशी मतलब वैज्ञानिक का आया था, मार्कोनी का नाम लिया जाता है, लेकिन ये किसने दिया, ये भारत की देन है, ये विश्व को किसने दिया, भारत ने दिया। इसी तरीके से एक हमारा है, मतलब जो सात रंग हैं आपके इंद्रधनुष में, सात रंग पाए जाते हैं, और प्रकाश की गुणधर्मिता तथा आकाश व समुद्र के रंगों की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो चंद्रशेखर वेंकट रमन ने हमें बताया कि समुद्र के पानी के बारे में, आकाश के बारे में, ये सब चीज़ें हमने किसी ने बताई, रंगों के बारे में, इंद्रधनुष के जो सात रंग होते हैं उसके बारे में किसने बताया, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने बताया। और इसीलिए इसको किस नाम से जानते हैं, रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं, भारत ने विश्व को क्या दिया, गणित, जो शून्य का आविष्कार है वो किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। और शून्य का आविष्कार किसने किया, आर्यभट्ट ने किया। त्रिकोणमिति किसने बताई, गणितज्ञ विक्स ने बताई, विक्स ने बताई इसका, उसके उससे भी 100 वर्षों पहले बारह मिहिर ने इसके बारे में हमें बता दिया था। और जो ये आपके चंद्रमा हैं, तारे हैं, मतलब इसको क्या कहते हैं हम, सप्तऋषि मंडल। तो ये जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र के बारे में भी कहाँ पे बताया गया था, भारत में बताया, किस किस ने, आर्यभट्ट ने बताया, बारह मिहिर ने बताया, और आपके लगद ने, ब्रह्मगुप्त ने, इन सब ने हमें नक्षत्र के बारे में, और इसकी जो हम पढ़ाई करते हैं नक्षत्र के बारे में, जो हम पढ़ते हैं उसको किसके नाम से जानते हैं, खगोल विज्ञान के नाम से जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो विश्व को विज्ञान के रूप में भारत ने दी है, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होना, ये सब किसने बताया, आर्यभट्टीय ग्रंथ में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, ये सब चीज़ें हमें किसने बताई, हमें भारत के वैज्ञानिकों ने ये सब चीज़ें उन्हें दी हैं। और हमारे देश के जैसे अभी एक, उनका नाम तो आप बड़े अच्छे से जानते हैं वैज्ञानिक का नाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो हमारे राष्ट्रपति भी थे और एक बहुत ही सज्जन और जेंटलमैन थे। उन्होंने, उनको हम किसके नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने परमाणु मतलब मिसाइल के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य की, नई नई मिसाइल बनवाई, और जिनका हमने परीक्षण भी किया है, और जो परीक्षण हमारा सफल हुआ, इसलिए उनको किसके नाम से जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। और परमाणु ऊर्जा के बारे में हमें किसने बताया, डॉक्टर होमी जहांगीर भावा ने बताया। और वस्त्र निर्माण है, वायुयान है, सबके क्षेत्र में हम आधुनिक तकनीक का उपयोग करके बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं, भौतिकी के क्षेत्र में नागार्जुन और महर्षि कणाद, इसके बाद हमारे भौतिक विज्ञान में कणाद, और रासायनिक विज्ञान में नागार्जुन ने हमें बताया। और बहुत सी चीज, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सहयोग ग्रंथ, सिद्ध योग नामक ग्रंथ है, जिसमें विज्ञान के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। बोलूँगी तो सही, योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, और इसके जो विश्व योग के बारे में हमें किसने बताया था, महर्षि पतंजलि ने बताया था। और जो अब 21 जून को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर कुछ बोल करके बताती हूँ, तो वैसे तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। सबसे बेसिक क्वेश्चन है, पेड़ पौधों का में जीवन, इसकी खोज वैज्ञानिक आप लोगों को पता है, इसके वैज्ञानिक कौन है, जगदीश चंद्र बसु हैं। और शाइलीहोत को किसका जनक माना जाता है, शाइलीहोत को पशु चिकित्सक के रूप में जाना जाता है। और अंतरिक्ष, नक्षत्र, तारे, चंद्रमा, सूर्य का ज्ञान, विज्ञान, ये मैंने आपको बताया किसके अंतर्गत आती है, खगोल विज्ञान के अंतर्गत आती है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, इंद्रधनुष में सात रंग होते हैं। और विज्ञान की किन्हीं पांच शाखाओं के नाम लिखिए, तो बताइए पांच शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, आप लोग जानते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान और
ज्योतिष विज्ञान। और आर्यभट्ट को विश्व की क्या देन है, आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, इसके बारे में हमें किसने बताया था, आर्यभट्ट ने बताया। और आर्यभट्ट ही ने हमें शून्य दिया, गणित में जो शून्य है वो आर्यभट्ट की देन है। कुछ आपको मैं सही गलत बताती हूँ, जैसे क्रिकेट का खेल विश्व को भारत ने दिया, क्रिकेट भारत ने नहीं दिया है, क्रिकेट जो हमें दिया वो किसने दिया, इंग्लैंड ने दिया, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, गलत का निशान आएगा। चरक और शुश्रुत प्राचीन चिकित्सा वैज्ञानिक है, तो हाँ ये हमारे कैसे वैज्ञानिक हैं, प्राचीन है। नए में हम अब्दुल कलाम, होमी, जहांगीर भाभा और जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकटरमन, इनके नाम जो हम लेते हैं वो किस में लेते हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों में लेते हैं। धातु का ज्ञान संपूर्ण विश्व को किसने दिया था, धातु का ज्ञान संपूर्ण विश्व को भारत ने दिया था। योग कला का उद्भव 5000 वर्ष पूर्व भारत में हुआ था, तो भारत, मैंने बताया है कि योग जो है, योग जो किसकी देन है, वो भारत की देन है। योग के बारे में किसने बताया था, महर्षि पतंजलि ने बताया था। और चंद्रग्रहण सूर्यग्रहण का ज्ञान न्यूटन ने कराया, तो अब ये कहा जाता है, लेकिन न्यूटन ने नहीं कराया, ये किसने कराया था, ये हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने कराया था।